हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइल विद ब्यूटी में। मैं मिताली रॉय, आज मैं अपने रसोई में आपको लेके आई हूँ। आज बन रहा है राजमा। तो देखिए, प्याज भुंज गया है, ये एक मैं पेस्ट डाल रही हूँ जो है अदरक है, लहसुन है, जीरा है, कच्चा जीरा है इसमें। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कच्चा जीरा का, तो कच्चा जीरा का स्वाद थोड़ा दूसरा आता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। थोड़ा देर फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मेरा नमक। स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा, आप कम खाते हैं तो कम दीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा दीजिए। थोड़ा चला लेती हूँ इसको। फिर मैं इसमें दे दूँगी थोड़ा सा चीनी, हल्का सा चीनी दूँगी। थोड़ा सा चीनी देने से नमक और चीनी का बैलेंस रहता है। अब मैं धनिया दे रही हूँ, 10 धनिया है। हल्दी है, हल्दी दे दी मैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और एक पेस्ट बना के मैं रखी थी टमाटर और हरी मिर्च का, इसको भी मैं डाल देती हूँ। साथ में सबको फ्राई करेंगे। मैं राजमा तो बहुत तरह से बनाते हैं सब, तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एकदम सिंपल वे में मैं खाना बनाती हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। जैसा मैं घर में बनाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाहती हूँ कि उसी तरह से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ अलग सा बन रहा है, मुझसे ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो घर में है उसी से मैं बनाने का कोशिश करती हूँ। तो इस तरह से आप राजमा बनाइए। तो अब मैं इसमें डालूँगी राजमा। तो राजमा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि राजमा को मैं ओवरनाइट सोक की थी पानी में, और उसके बाद राजमा को मैं 3 सीटी लगा ली थी कुकर में। तो राजमा को अच्छे पानी में बॉईल कीजिएगा, तो उसका जो पानी उतना ही पानी दीजिएगा जितना में मेरा राजमा और सारा मसाला सब कुछ पक जाए। तो राजमा का पानी हम फेंकेंगे नहीं, राजमा का पानी में ही हम इसे पूरा बनाएंगे इसको। तो राजमा में बहुत सारा प्रोटीन होता है, जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं तो उन लोगों के लिए राजमा एक परफेक्ट सब्जी बताया जाता है। तो वैसे भी हमारे शरीर को प्रोटीन का बहुत ज़रूरत है, तो इस अगर हम पानी फेंक देंगे तो इसका सारा गुण भी उसी में निकल जाएगा। तो देखिए, मैं राजमा दे दी हूँ कढ़ाई में, अब मैं इसको थोड़ा देर पकाऊंगी। ये बहुत जल्दी पक जाता है, थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है पहले से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले इसको रात को ही मैं इसको भिगा के रख दी थी, और फिर इसको बॉईल करना और मसाला तैयार करना, बस जितना तैयारी में लगता है पकने में उतना टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपको राजमा पकाना है, तो अगर शाम को पकाना है तो सुबह ही इसका तैयारी करके रख लीजिए, तो आपको पकाने में भी आसानी होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मैं बिल्कुल नई हूँ, तो मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। आप लोग अगर मेरा साथ दीजिएगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। देखिए, मैं कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ। कस्तूरी मेथी भी डालने का मैं तरीका बताती हूँ। मैं डालती हूँ दोनों हथेली पे रख के उसको थोड़ा सा रगड़ के, फिर मैं कस्तूरी मेथी डालती हूँ, तो इसमें स्वाद दुगना हो जाता है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा। देखिए, मेरा करीब करीब राजमा पक चुका है, तो
थोड़ा सा इसका पानी सूखेगा, सूखने के बाद आप देखिएगा ये कैसा बनता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ ये पकने के बाद कैसा हुआ है।